हक आपको मिलना चाहिए। अब देखिए, मैंने 3-4 बार अपने भाषणों में कह दिया कि वनवासी शब्द आदिवासी इतिहास, आदिवासी भाषाएं, आदिवासी के कल्चर पर आक्रमण है। पहले नरेंद्र मोदी हर भाषण में वनवासी कहते थे, आज उनके भाषण सुनिए, उनके मुंह से वनवासी शब्द नहीं निकलता है। अब अपने भाषणों में वो आदिवासी कहते हैं। सोच भाइयों और बहनों वनवासी वाली सोच है। आज अपने भाषण में उन्होंने कहा हिंदुस्तान में एक ही जात है और वो है हिंदुस्तान का गरीब। मतलब भाषण में कह रहे हैं कि इस देश में ना दलित हैं, ना आदिवासी हैं, ना पिछड़े हैं। और हम सब जानते हैं कि इस देश में आदिवासी हैं, आदिवासी भाषाएं हैं, आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी इतिहास है, दलित हैं, दलितों के साथ अपमान किया जाता है, उनको हर रोज तंग किया जाता है, पिछड़ों को जो हक मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता। और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक और वो गरीब। अच्छा, अगर सिर्फ एक जात है तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? हर भाषण में आप क्यों कहते हो कि मैं ओबीसी हूं? और आपने अपने शब्द क्यों बदले? मैंने 3-4 बार अपने भाषणों में कहा कि वनवासी आदिवासियों पर अपमान है। आप अपने भाषण में आज वनवासी क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप जानते हो कि जो आपकी सोच है वो आदिवासियों की अपमान की सोच है, इसलिए आपने अपने शब्द बदले मगर आपने अपनी सोच नहीं बदली। नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी सोच बदलिए। शब्द बदलना बहुत आसान होता है, आप अपनी सोच बदलिए, शब्द का कोई मतलब नहीं। आपके शब्द खोखले हैं। आप यहां पहले आए थे, आपने कहा था हर बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए डालूंगा। भाइयों और बहनों, आदिवासी भाइयों और बहनों, 15 लाख रुपए आपको मिले? यहां कोई एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी के मुंह से शब्द निकले थे 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा? कोई एक व्यक्ति है यहां पे जिसके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए मिले? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी से काला धन मिटेगा। यहां एक व्यक्ति है जो कह सकता है कि हां, नोटबंदी से हमें फायदा मिला? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जीएसटी से हिंदुस्तान बदलेगा। यहां एक व्यक्ति है जो कह सकता है हां, जीएसटी से मुझे फायदा मिला? अच्छा, पिछले चुनाव में हम आए थे, मैं आया था, मैंने भी वायदे किए थे, आपको याद होंगे। मैंने कहा था ऐसे स्टेट से, मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसान को धान के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। मिला? यहां एक भी कह सकता है कि आज छत्तीसगढ़ में किसान को 2500 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, एक और बात देखिए मजे की, मैंने वायदा किया था 2500 का, याद है आपको? आज किसान को क्या रेट मिल रहा है? 2640।
मैंने वायदा किया था 2500 का, मिल रहा है 2640। आपने हमें यह तो नहीं कहा कि भैया बढ़ाओ, एकदम बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम किसान से बात करते हैं, हम किसान के दर्द को समझते हैं। और मैं आपको यहां कह रहा हूं, देखिए आज 2640 है, आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आने वाले समय में ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये कुछ ही 3000 हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं। मैंने अपने भाषणों में कहा था, पहली मीटिंग में छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। भाई और बहनों, कुछ ही दिन पहले मैं खेत में गया, मैंने 2 घंटा धान काटा। वहां पे किसानों से मैंने पूछा, आम किसान से मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आपका कर्जा माफ हुआ? मुझे कहते हैं, राहुल जी आप क्या कह रहे हो, मेरा कर्जा माफ हुआ जो मैं सपना भी नहीं देख सकता था? मैंने गाड़ी खरीदी है राहुल जी, गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं, मैंने गाड़ी खरीदी है। और जो हमने कर्जा माफ किया, हमारे बीच में और नरेंद्र मोदी जी के बीच में फर्क समझिए, हमने जो कर्जा माफ किया, जो हम आपको 2640 रुपए देते हैं, वो पैसा कहां गया? हमने किसान का कर्जा माफ किया, किसान ने वो पैसा अपने गांव में खर्च किया। मजदूर को हम पैसा देते हैं, पहले हम 7000 रुपए देते थे, चुनाव के बाद हम 10000 रुपए देने जा रहे हैं। मजदूर और किसान को जो हम पैसा देते हैं, मजदूर और किसान उसके पैसे को गांव में खर्च करता है, गांव में खर्च करता है ना। मजदूर और किसान अमेरिका में जाके खर्च तो नहीं कर सकता, तो गांव में खर्च करता है। फिर फायदा किसको होता है? छोटे दुकानदार को होता है। किसान जाता है, कपड़े खरीदता है, बिस्कुट खरीदता है, बच्चे के लिए चॉकलेट खरीदता है, फायदा छोटे दुकानदार को होता है। तो पूरा का पूरा पैसा गांव में पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, यहां पे कहते हैं अदानी जी को जमीन दो, अदानी जी आपकी जमीन छीन लेते हैं, आपके लोग मना करते हैं, आदिवासी खड़े होते हैं, कहते हैं भाई हमारी ले रहे हो, बीजेपी की सरकार आप पर गोली चलाती है, अदानी जी आपकी जमीन ले जाते हैं, आपका जो आपकी जो खदान है उसको उठा के ले जाते हैं। क्या एक रुपया छत्तीसगढ़ के गांव में, बस्तर के गांव में आता है? पैसा कहां जाता है? अमेरिका जाता है, जापान जाता है, देश के बाहर जाता है। फायदा किसको होता है? अदानी जी को होता है। वो पैसा बीजेपी के नेताओं को मिलता है, चुनाव लड़ने के लिए जाता है। हम जो पैसा किसानों को देते हैं, मजदूरों को देते हैं, आदिवासियों को देते हैं, उससे आपका गांव में फायदा होता है। यहां को उदाहरण देता हूं, आपसे पूछ, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मांग बैंक की मांग है, सही बात है ना? अब आप बैंक क्यों मांग रहे हो? आप बैंक इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आपके जेब में, किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में हमने पैसा डाला है, और अब किसान को, मजदूर को बैंक की जरूरत है कि अपना पैसा बैंक में सुरक्षित करे, सुरक्षित रखे। आदिवासियों को तेंदूपत्ता के लिए बीजेपी 2000 रुपए देती थी, एक बोरी के लिए 2000 रुपए देती थी, समय याद है आपको? कांग्रेस कितना देती है?
4000, और चुनाव के बाद हमने कहा है 4000 रुपए हम हर आदिवासी को बोनस देंगे सीधा बैंक अकाउंट में। तो जो हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। हमने वायदा किया था कि हम आपको कर्जा माफ करके दिखाएंगे 2005, मगर हम वहां नहीं रुके। हमें योजना लाई किसान के लिए, किसान न्याय योजना। भाइयों और बहनों, 23,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के बैंक अकाउंट में डाल के दिखा दिया। अब बीजेपी आती है, भाषण कर जाते हैं, आपको कहते हैं भैया आप तो जंगल के हो, वासी हो, अदानी जी को अपनी जमीन दो, ये जो आदिवासी बिल है, पैसा कानून है, इसको कोई जरूरत, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको रद्द करो, जमीन अधिकारी बिल है, अधिकार बिल है, इसको खत्म करो, और आपका जंगल, आपकी जमीन, आपका जल आपसे छीनते हैं। ये फर्क है उनमें और हमें। जगदलपुर के पहले हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। जो स्कूल बंद हो गए थे, 300 स्कूल हमने फिर से खोले, बीजेपी के समय जो स्कूल बंद हुए हमने खोले। 23,000 लोगों की जमीन हमने उनको वापस दी फॉरेस्ट राइट एक्ट में। मैंने आपसे कहा कि अदानी जी का जो आयरन और प्रोजेक्ट था उसको हमने रद्द किया, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोले, 10 कारखाने हमने खोले हैं, 8 स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने आपके लिए खोले हैं, जिसमें आदिवासियों के बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के लोग कहते हैं हिंदी सीखो, छत्तीसगढ़ी मत सीखो, अंग्रेजी मत सीखो। हम कहते हैं हिंदी की जगह है, छत्तीसगढ़ी की जगह है, अंग्रेजी की भी जगह है। क्यों? छत्तीसगढ़ में किसी से बात करनी है छत्तीसगढ़ी में बोलो, हिंदी में बात करनी है यूपी में जाना है हिंदी का प्रयोग करो, बिहार में जाओ दिल्ली जाओ हिंदी में बात करो। देश से बाहर किसी से बात करनी है, कंप्यूटर चलाना सीखना है, गूगल पर सर्च करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना है, अंग्रेजी। अब आदिवासी बच्चा अगर कल कोई इंटरनेशनल बिजनेस खोलना चाहे, अमेरिका में अपना माल बेचना चाहे, तो उसको अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, अंग्रेजी के बिना वो काम ही नहीं कर सकता। इनकी सोच है कि आदिवासी अंग्रेजी ना सीख जाए। अगर अंग्रेजी सीख जाएगा तो जो आज हमारे बच्चों को नौकरी मिल रही है कल आदिवासी बच्चा ना ले जाए। ये कहते हैं आदिवासियों को अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। भाइयों और बहनों, ये आपको जंगल में रखना चाहते हैं, इसलिए आपको वनवासी कहते हैं। और फिर दूसरी बात, आपको कहते हैं आज जंगल में रहो, और फिर जंगल को खत्म कर रहे हैं, पूरे देश में जंगल अदानी को दे रहे हैं। तो अगर बीजेपी की सरकार रही, आज से 15 साल बाद आपसे कहेंगे भैया आप तो जंगल के हो, मगर जंगल ही नहीं है, जंगल गायब हो गया, जाओ अब शहरों में जाके भीख मांगो, शहरों में जाके मजदूरी करो। ये भविष्य है इनके दिमाग में आपके लिए। हम कहते नहीं, स्वामी आत्मानंद स्कूल में आदिवासियों के बच्चे अंग्रेजी पढ़े, कॉल सेंटर में अंग्रेजी सीखे और कॉल सेंटर में काम करें, विदेश की कंपनियों से व्यापार करें,
आदिवासी बच्चे विदेश में जाके बिजनेस करें, इसलिए हम अंग्रेजी स्कूल खोलते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं बीजेपी वालों बात ना, हिंदी सीखो, अंग्रेजी सीखो, छत्तीसगढ़ी सीखो। अच्छा आखिरी बात, आप बीजेपी के किसी भी नेता से अगली बार पूछना, भैया आप हमें कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, आप हमें कह रहे हो हमें हिंदी नहीं सीखनी चाहिए, आप हमें एक बात बताओ, आपके जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं? सारे के सारे बीजेपी के नेता के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं भाइयों बहनों, और वो चाहते हैं कि गलती से भी आदिवासी बच्चा अंग्रेजी ना सीख जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आदिवासी बच्चे अंग्रेजी सीख जाए, आदिवासी दूसरा सपना देखना शुरू कर दे, आदिवासी बच्चे पायलट बनने की कोशिश करेंगे, इंजीनियर बनने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर बनने की, कंप्यूटर चलाना सीखेंगे, और ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे ये काम करें, इसलिए इन्होंने ये शब्द वनवासी निकाला है। और मैं आपको ये जो इनका शब्द है ना, इस शब्द को कांग्रेस पार्टी मिटा के दिखा देगी। ये बीजेपी के लोग आप देख लेना, बीजेपी के लोग में वनवासी बोलने का दम नहीं रहेगा, मिटा लेंगे इस शब्द को हम हिंदुस्तान से। ये आप आदिवासी हो, आदिवासी रहोगे, और ये देश का जल, जंगल और जमीन, उस पर आपका हक रहेगा। जल का फायदा, जंगल का फायदा, जमीन का फायदा आपको मिलेगा। हम आपके साथ खड़े हैं, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो अदानी की मदद करें, चाहे किसी और उद्योगपति की। आपकी जमीन लेने से पहले आदिवासियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप सबका दिल से धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का समर्थन।